आप लोग क्या बोलेंगे रोलिंग में? काइनेटिक एनर्जी लिखा हो क्या? साथ में क्या लिखना पड़ेगा? साथ में क्या लिख देंगे हम लोग? MvCm स्क्वायर। साथ में यहाँ पे MvCm स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। साथ साथ और क्या लिखा हुआ ये? यस, साथ में ये लिखा हुआ, अगर VCm स्क्वायर बाई जी कर देंगे तो हाइट भी लिखा हुआ। क्या लिख देंगे इसके अंदर? VCm स्क्वायर बाई जी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन को, क्या बन जाएगा ये? तो हाइट बन जाएगी। ये किसके लिए हाइट लिखा हुआ? ये हाइट किसके लिए लिखा हुआ? तो रिंग के लिए लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ? क्या मैग्नीफाई करना पड़ेगा? तो 10/7 GH का रूट, ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये? तो इंक्लाइंड सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस से रिलीज करें या कर्व्ड सरफेस से रिलीज करें? बॉटम पे जिस स्पीड से आएगा तो स्पीड की वैल्यू लिखी हुई है 10/7 GH। किसके लिए? कौन से देखा? तो डैट इज फॉर सॉलिड स्फीयर, डैट इज फॉर, तो फर्दर मूव करोगे। ये क्या लिखा हुआ हमारा? कहाँ पे? इंक्लाइंड रफ सरफेस पे रोलिंग, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन है। डेट बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू जी साइन डेटा अपॉन 1+ बेटा। बेटा का मतलब क्या होता हमारा? तो आर डी एच एस के लिए रिंग के लिए 1 और डिस्क के लिए 1/2, होल स्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए तो एक वैल्यू जी साइन डेटा अपॉन 1+ बेटा। ये फ्रिक्शन की वैल्यू बताएंगे लोग, एम जी साइन डेटा बेटा अपॉन 1+ बेटा। लाइक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी जरूरत होती है? तो म्यू विल बी मोर देन बेटा अपॉन 1+ बेटा टैन थीटा। या बताएंगे टाइम की वैल्यू, ऊपर से नीचे आने के लिए टाइम 1/ साइन डेटा 2h/g का रूट 1+ बेटा। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बताया गया था? स्पीड की वैल्यू लिखवाया गया था। रोलिंग रिंग अगर बॉटम पे आता तो स्पीड कितने से आएगा हमारे? तो डेट लोड √2gh एंड 1+ बेटा। जितने स्पीड से ग्राउंड पे आएगा तो डेट स्पीड विल बी दिस। तो ऑलरेडी कर रखा था, इस केस में देखेंगे ये हम लोग क्या करते हैं। तो ये अनबाइंड करता हुआ क्या कर, रोल करता हुआ अनबाइंड कर रहा था। कारपेट का एग्जांपल दिया था, कारपेट रखा हुआ, तो कारपेट को अगर रिलीज करोगे तो क्या करेगा? ऐसा ओपन होता हुआ नीचे जाएगा, क्या करेगा ये? तो निकालना क्या, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना। और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे चला गया? सिलेंडर है ये, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे चला गया? एच हाइट नीचे चला गया। हाँ, ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर है अपना, अनवाइंड करता हुआ नीचे जा रहा है सर। तो ये सोल्यूशन कितना और स्ट्रिंग में टेंशन कितना और एच हाइट जाने के बाद कितनी स्पीड होगी? देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे हम लोग? तो ऊपर क्या लग रहा? टेंशन लग रहा TNT, और नीचे क्या लग रहा होगा? MG, और नीचे कितने सोल्यूशन से जा रहा है? ये सोल्यूशन ए से जा रहा। एक तो ट्रांसलेशन के इक्वेशन में तो बनेगा जो कि आप बताएंगे जल्दी से। तो डेट वी MG-2T इक्वल टू M into A, 1 इक्वेशन मिल गई MG-2T इक्वल टू, ट्रांसलेशन का इक्वेशन MG-2T इक्वल टू M into A। और जो ये टेंशन लग रहा तो सरकमफ्रेंस पर लग रहा है या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा? सरकमफ्रेंस पे आइए, कहाँ पे तो रैप किया हुआ है? सरकमफ्रेंस पे। तो ये टेंशन टॉर्क बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। कितना बनाएगा? तो डैट वी T into R। कौन सा डायरेक्शन बनाएगा? दिख रहा होगा ये कैसे खुल रहा है, ये घड़ी के डायरेक्शन में, ये उल्टा ऐसे खुल रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। आगे ऐसे देखोगे तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नीचे जा रहा है। तो टॉर्क जो है टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये किसका जो है टॉर्क होगा? टी का, तो T into R, और दूसरे का भी क्या होगा? तो T into R, तो डेट 2TR इज इक्वल टू कितना लिख लोगे? I alpha। दो इक्वेशंस आ गया, ए की वैल्यू सॉल्व आउट करके निकाल लेंगे। सॉलिड सिलेंडर तो I की वैल्यू कितना रख देंगे आप? MR2/2। सॉलिड सिलेंडर I की वैल्यू MR2/2,
एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, टू टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, टू टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। सोल्व कर देंगे तो टेंशन निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, डाट डब्ल्यू टू टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, टू टी आई के लिए तो कितना एम के स्क्वायर, या किसके लिए तो सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर के लिए कितना ले लेंगे तो डाट डब्ल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा के लिए ए बाई आर, अल्फा के लिए ए बाई आर, टू टी इंटू आर ऐसा लिख लेंगे आप। कैंसिलेशन कर लें, आर का कैंसिलेशन कर लें, आर का कैंसिलेशन कर लिया आपने तो डाट डब्ल्यू ट्वाइस टी कितनी आ गई हमारी, तो डाट डब्ल्यू एम ए बाई टू, ट्वाइस टी की वैल्यू एम ए बाई टू आ गई। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, जो ट्रांसलेशन वाला था और रोटेशन वाला, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें आप। ओके, ए की वैल्यू टू जी बाई थ्री, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ से तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दें, या तो ऊपर से टी की वैल्यू उठा के तो टू टी की वैल्यू नीचे रख दें, या इन दोनों को ऐड कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा। डाट विल एम जी इज इक्वल टू थ्री एम ए बाई टू, एम हटा देंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो डाट टू जी बाई थ्री, ए की वैल्यू ट्वाइस जी बाई थ्री। तो आप बताएंगे एच आई टी सेंटर ऑफ मास फॉल कर गया, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, तो स्पीड बताएंगे आप लोग, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास एच आई टी नीचे आ गया तो स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास बी सी एम, तो स्पीड का फार्मूला कितना होता हमारा, तो डाट रूट टू ए एच, रूट टू ए एच, एच हाइट नीचे चला गया, स्पीड फाइंड आउट करना, रूट टू ए एच, ए की वैल्यू डाल देंगे, ए की जगह पे डाट वी ट्वाइस जी बाई थ्री, डाट वी फोर जी एच बाई थ्री, और ए की वैल्यू रख दें, टू टी इजिकल टू कितना आया था, एम ए बाई टू, टू टी की वैल्यू एम ए बाई टू आई थी, टू टी इजिकल टू एम ए बाई टू, ए की वैल्यू रख दें, टू टी इजिकल टू एम बाई टू, ए की जगह पे टू जी बाई थ्री, ए की जगह पे टू जी बाई थ्री, कैंसिल आउट कर दोगे, टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डाट वैल्यू एम जी बाई सिक्स। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का इक्वेशन बनाना था आपको, समझ आ गया होगा। फर्दर मूव करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन में क्या लिखा था याद है कुछ, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। ओके, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों को ऐड कर दिया था, सेम केस यहाँ पे रोलिंग में तो एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी, तो रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम कितना होता, आई डब्ल्यू एल इजिकल टू आई डब्ल्यू, जो भी इसका तो यूनिट वेक्टर आएगा, जो भी डायरेक्शन होगा, के कैप लिख दिया या डब्ल्यू कैप लिख दें, ये डायरेक्शन बता रहा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन, एम आर क्रॉस बी सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम रोलिंग में होता क्या है, रोटेशन भी होता और ट्रांसलेशन भी होता, तो रोटेशन वाला पार्ट का एंगुलर मोमेंटम ले लिया और ट्रांसलेशन वाला पार्ट का क्या ले लिया आपने, एंगुलर मोमेंटम ले लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा रोलिंग के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आई डब्ल्यू, डब्ल्यू कैप क्या बता रहा, हाँ डब्ल्यू कैप का मतलब ही क्या है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, एन कैप ही है वहाँ, डब्ल्यू कैप लिख दिया जो एंगुलर मोमेंटम का क्या निकाल दिखा रहे हैं हम लोग को, याद होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता किधर होता, डब्ल्यू कैप के डायरेक्शन में होता है, डब्ल्यू के जिधर अगर एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर मोमेंटम भी
क्लॉकवाइज और एंगुलर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डेट भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे बोला जा रहा है एल इजिकल टू आई डब्ल्यू डब्ल्यू कैप प्लस एम आर वी सी एम। तो देख लें ये है क्या आई एंड आर एंड वी सी एम है क्या हमारा। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट ऐसा हमारा कोई दिस इज आवर रोलिंग ऑब्जेक्ट। रोलिंग ऑब्जेक्ट में तो क्या करता हुआ जा रहा है तो वी सी एम से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। वी सी एम वेलोसिटी से फॉरवर्ड मोशन कर रहा है ये और डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा तो इनका एंगुलर मोमेंटम लिखना तो क्या लिखेंगे देख लेंगे। ये आर है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज तो दिस इज आर वेक्टर। ये हमारा कौन सा वेक्टर है तो ये आर क्रॉस वी सी एम लोगे और जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उससे तो ऐसा गुणा कर लोगे और क्या करें एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू से घूम रहा है तो डेट विल बी आई डब्ल्यू एंड एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है तो डब्ल्यू कैप लिख दिया गया। ये आई के बारे में नोट कर लेंगे आई किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो डैट इज सेंटर ऑफ मास का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये क्या है तो आई सी एम है इसके इस पॉइंट का अबाउट घूम रहा है तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो है तो किसका अबाउट है सेंटर ऑफ मास का अबाउट आई सी एम इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कैप को डायरेक्शन बता रहा है। ये क्लॉकवाइज के लिए तो डैट विल माइनस के कैप और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब यहाँ पे भी तो डायरेक्शन आ रहा है इसमें भी डायरेक्शन आएगा जब इनका डायरेक्शन आर वेक्टर और वी सी एम वेक्टर यूज करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा के कैप या माइनस के कैप डिपेंडिंग ऑन तो दिखाया हुआ जो भी है उसके अनुसार से। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में दोनों क्या होता था तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी को सीधा जोड़ देते थे स्केलर एडिशन होता था। यहाँ पे क्या कौन सा एडिशन होगा वेक्टर एडिशन होगा बस इतना ही फर्क है। दो यहाँ पे रोटेशनल पार्ट और ट्रांसलेशनल पार्ट लिखते हैं और यहाँ पे क्या होता है तो एडिशन क्या होगा वेक्टर एडिशन होगा। तो किसी शेप्स के लिए फाइंड आउट कर लें हम लोग देख लेंगे यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए। अभी जो दिखाया गया ओमेगा का डायरेक्शन क्या दिखाया गया ओमेगा का डायरेक्शन तो डेट विल माइनस के कैप और आर के लिए देखोगे आर वेक्टर ये कौन सा डायरेक्शन आर वेक्टर हो गया तो दिस आर वेक्टर का डायरेक्शन डेट इज द जे कैप। ये कौन सा डायरेक्शन है आर वेक्टर को और वी सी एम का कौन सा डायरेक्शन है आई कैप। तो दोनों को खोल करके लिख लें एक बार ये लाइक वेक्टर फॉर्म में तो मैं फॉर्मेट में जोड़ने के लिए तो ऐसा बोला जा रहा कि ये पूरा का पूरा फार्मूला ऐसा है जो डायग्राम यहाँ पे दिखाएगा। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि वी सी एम आगे ही दिया मैं भी वी सी एम क्या दिया पीछे भी दे सकते हैं जैसा देंगे उसके अनुसार से यहाँ पे वेक्टर ऑपरेट होगा। अभी जो हमने लिया कैसा दिख रहा है आपको घूमता हुआ क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है तो ये वाला पार्ट कैसा आ जाएगा माइनस के कैप और आर क्रॉस वी सी एम करोगे तो आर वेक्टर की तरह मारा जे कैप में और वी सी एम वेक्टर की तरह मारा आई कैप में तो दोनों को क्रॉस कर लेंगे आप। मैं बोल रहा हूँ कि अभी इस एक्सप्रेशन को तो इस फोटो के अनुसार से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वाला कुछ अलग भी दिया जा सकता है ये क्लॉकवाइज के जगह पर क्या दिया जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी दिया जा सकते हैं तो उसके अनुसार से ये टर्म आएगा प्लस और माइनस क्या हुआ। फिलहाल जो हमने तो एक्सप्रेशन लिया उसके लिए तो उसके लिए क्या देखोगे तुम आई सी एम इंटू डब्ल्यू और ये वेला डब्ल्यू का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा माइनस के कैप कौन सा डायरेक्शन है ये प्लस इसके लिए देखोगे एम आर वी सी एम के लिए तो क्या करते एम इंटू आर इंटू वी सी एम आर का डायरेक्शन किधर होगा ये तो आई आर का डायरेक्शन जे कैप और वी सी एम का डायरेक्शन तो जे क्रॉस आई आ रहा साथ में जे क्रॉस आई होता ही क्या हमारा तो डैट विल बी आई सी एम वी लाइक आई सी एम डब्ल्यू प्लस एम वी सी एम आर जे क्रॉस आई विल भी माइनस के कैप यहाँ भी माइनस के कैप और यहाँ भी माइनस के कैप है दोनों माइनस के कैप आ रहा तो माइनस के कैप कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएंगे तो ऐड ऑन हो जाएंगे
ICMW आर हम लोग जो वेलोसिटी जिस पॉइंट के पास लीनियर मोमेंटम है ना, तो उसका लिखेंगे आप, किसका लिखेंगे आप, लीनियर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है तो किसका वोट आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का वोट नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वोट आ रहा है। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम किसका वोट रहा है, ये घूम रहा है सेंटर मास का वोट, और साथ साथ क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है। हम लोग इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम किसका वोट लिख रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वोट लिख रहे हैं, किसका वोट लिख रहे हैं, चूँकि एंगुलर लाइक एंगुलर मोशन सेंटर ऑफ मास का वोट हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, आई सी एम इंटू डब्ल्यू, कितना हो जाएगा ये, आई सी एम इंटू डब्ल्यू। और करस्पॉन्डिंग जो है, तो घूम रहा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वोट, इनका जो ये ट्रांसलेशन कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, किस कारण आएगा, ट्रांसलेशन कारण जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो वो वाला वैल्यू कितनी आती है, ये लीनियर मोमेंटम इस पॉइंट का वोट एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा, ये जो लीनियर मोमेंटम एम बी सी एम इस पॉइंट का आउट क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम कर कैलकुलेट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जिस पॉइंट का आउट निकालो ये आर वेक्टर ऐसे बनेगा, जिस पॉइंट का आउट निकालते हैं उससे जो है लीनियर मोमेंटम में लाइन पे क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो डैट भी आर ये लोगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस के कैप आ गया। क्या करेंगे फर्दर, तो ये आगे जो है तो वैल्यू निकालने के लिए, किसी स्पेशल केस में वैल्यू निकालना होता, ये रोलिंग मोशन हो रहा, तो आई सी एम इंटू ओमेगा कितना लिख सकते हैं, आई को आई सी एम को कितना लिख देगा, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, कितना लिख दिया, ओमेगा को क्या लिख दिया आपने, वी बाय आर, वी सी एम बाय आर प्लस एम बी आर। आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे आर से ऊपर भी नीचे गुना कर दिया, नीचे भी गुना कर दिया, आर ऊपर और नीचे, तो क्या आ गया, एम बी आर कॉमन ले लें, एम बी सी एम इंटू आर कॉमन ले लिया, भी जहाँ पे भी लिखा हो तो बी सी एम से उसका मीनिंग है, अब वन प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ऐसा कुछ जनरल एक्सप्रेशन बन गया इस केस में। ये परमानेंट नहीं होगा, बता दें, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। हाँ एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बट ये वाला टर्म प्लस और माइनस हो सकते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा वो। एंगुलर मोमेंटम किसका वोट लिखा गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वोट लिखा हुआ, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एम बी सी एम आर वन प्लस के स्क्वायर टू आर स्क्वायर। तो ये इन शेप्स के लिए तो वैल्यू फिलअप कर लें आप, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारी रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर सोलिड स्फीयर के लिए, रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर सोलिड स्फीयर, ये जनरलाइज केस हमारे आर डी एच एस के लिए। रोलिंग डिस्क के लिए तो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ कभी कि रोलिंग डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, रिंग के लिए कितना डाल देंगे यहाँ पे, वन, तो कितना आ जाएगा हमारा, ट्वाइस एम बी सी एम आर डिस्क के लिए, तो वन वन बाई टू डाल देंगे वहाँ, तो वन वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया हमारा, तो डाट भी थ्री बाई टू एम बी सी एम आर। सभी के लिए आइडेंटिफाई कर लोगे, हॉलो स्फीयर के लिए क्या डाल देंगे, टू बाई थ्री, वन प्लस टू बाई थ्री कितना हो जाएगा हमारा, फाइव बाई थ्री एम बी सी एम आर। और सोलिड स्फीयर के लिए टू बाई फाइव, टू बाई फाइव डाल दो कितना आ जाएगा हमारा, ये सेवन बाई फाइव एम बी सी एम आर। तो ये टर्म आपको एंगुलर मोमेंटम को तो इन केसेस में आइडेंटिफाई कर दिया गया, जैसे आपके रोलिंग की क्या याद थी, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी वैसे जो है क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, और कहाँ जा रहा है ये, तो फॉरवर्ड जा रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, कहाँ जा रहा है ये, फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना, एम बी सी एम आर आएगा ये, और कितना आएगा, टू थ्री बाई टू, फाइव बाई थ्री एंड सेवन बाई फाइव आ रहा है, या इसको कितना लिख सकते हैं आप, बी सी एम, एम बी सी एम के टर्म्स में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन आ रहा है, ये बी सी एम को किस में लिख सकते हैं आप,
इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आर बी सी एम कितना एक्सप्रेस होते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो कितना हो जाएगा वहाँ, तो एम एम ओमेगा आर स्क्वायर का टर्म्स में तो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे कर लेंगे आप। आगे जो है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है रिंग के लिए, रोलिंग रिंग अगर होता वहाँ पे, तो रिंग में क्या था हमारा एक्सप्रेशन, रिंग के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कितना रहा, टू एम वी सी एम आर, वी सी एम को डब्ल्यू आर भी लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा ये, तो जैसा ऑप्शन दिया जाएगा टू एम आर स्क्वायर डब्ल्यू, वी सी एम में लिखे जा सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू लिखे जा सकते हैं ऑप्शन, या डब्ल्यू को टू पाई एफ लिख सकते हो या कैपिटल डब्ल्यू को टू पाई या कैपिटल टी, ऐसे जैसे जिस भी टर्म्स में चेंज करना चाहेगा तो कर सकते हैं आप। डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है या फिर टाइम पीरियड से कनेक्टेड होता है। तो फर्दर मूव करेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रोलिंग में अप्लीकेबल है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का तो इलस्ट्रेशन ले ले रहे हैं सी, ये दिया हुआ क्या हमारे पास, तो ये सोलिड स्फीयर ही है क्या हमारा, सोलिड स्फीयर है, सोलिड स्फीयर को तो प्रोसीड कर दिया गया, भी दे दिया गया, भी एंड ओमेगा में रिलेशन दिया हुआ, ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ, ओमेगा कितना से तो दे दिया गया ओमेगा इक्वल वी बाई टू आर, देख लेगा तो इसमें 10 तरह के एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन 10 इन्फॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं, तो वो सुन लेंगे बारी बारी से। दिख दिख गया होगा फोटो क्या है हमारा, सोलिड स्फीयर है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है, वी बाई टू आर, कितना दे रखा है, वी बाई टू आर एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। तो पहले ये बताएंगे कि ये जो है तो रोलिंग प्योर रोलिंग है या फॉरवर्ड स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग है, पहले तो आइडेंटिफाई करोगे, बोलेंगे प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी बाई आर होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर नहीं है तो ये प्योर रोलिंग तो नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर नहीं है तो प्योर रोलिंग नहीं है, क्लियर बात हो गई। पहले जितना ही सवाल हो सकता है कि प्योर रोलिंग है या फॉरवर्ड स्लिपिंग है बैकवर्ड स्लिपिंग है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो प्योर रोलिंग तो नहीं है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तो देखेंगे क्या होता हमारा कंडीशन होता कि क्या होना चाहिए हमारा, तो भी जो है ग्रेटर होना चाहिए किससे, ओमेगा आर से, भी किससे ग्रेटर होना चाहिए, ओमेगा आर जो है छोटा होना चाहिए और भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, भी जो बड़ा होना चाहिए और ओमेगा आर छोटा होना चाहिए, कौन सा कंडीशन होता है ये, फॉरवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग, और वी अगर लेस देन डब्ल्यू आर से हो जाए तो बैकवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन, तो ये है क्या, कौन सा केस है, बेसिकली ये है ना कि ये रहेगा तो क्या हो गया हमारा, ये ओमेगा की वैल्यू वी बाई टू आर है क्या हमारा, ओमेगा की वैल्यू वी बाई टू आर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, और यहाँ से पता करना है कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है बैकवर्ड स्लिपिंग है, प्योर रोलिंग तो नहीं है, प्योर रोलिंग तो गारंटी के साथ है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है बैकवर्ड स्लिपिंग है ये हमें पता करना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कंडीशन क्या होना, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन वो टेस्ट कर लेंगे पहले, कि अगर भी क्या हो हमारा ओमेगा आर से बड़ा हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होता हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग, अगर ये फेल कर गया तो क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड स्लिपिंग, तो ओमेगा का वैल्यू रख दो, ओमेगा का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू कितना डाल दें, वी ओमेगा का वैल्यू वी बाई टू आर डाल दिया, तो क्या हो गया ये सही है गलत है, सही है, सही है ना, वो जो ऊपर लिखा तो वी बाई ट्वाइस आर, तो या तो इसमें डाल के देख लें, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का कंडीशन है सेटिस्फाई कर जा रहा है, ओमेगा का वैल्यू डाल दिया तो क्या आ रहा है, वी इज मोर देन, ये जानते हैं आप, तो या तो यहाँ से टेस्ट कर लें या दूसरा कहाँ से टेस्ट कर लें, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं क्या लिखा हुआ था, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई टू आर,
ओमेगा आर कितना हो जाएगा, वी बाय टू। ओमेगा आर जो है तो क्या है, वी बाय टू है, बराबर है जो कम है, ओमेगा आर कम हो गया। ओमेगा आर होना चाहिए किसके बराबर, यहाँ पे कितना है, वी बाय टू के बराबर है, तो कम है ओमेगा आर कम है और भी क्या हमारा ग्रेटर है, तो क्या बोलेंगे ये, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। क्लियर बात होगी, तो टेस्ट कर लिया कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है बैकवर्ड स्लिपिंग है, कौन सा केस में गया, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। तो ऐसे कहीं पे तो वैल्यूज देकर के तो पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया। अब फर्दर देखेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे इनका इनके ऊपर तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान देखोगे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, क्या हो रही है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, मतलब कौन ज़्यादा लेकर ट्रांसलेशन स्पीड ज़्यादा या रोटेशन ज़्यादा, ट्रांसलेशन ज़्यादा, फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या ज़्यादा ज़्यादा होता है, ये समझ में आता है। तुम ब्रेक मारते तो घूमता कम है और स्पीड ज़्यादा करता है, तो भी ज़्यादा है और रोटेशन वाला पार्ट कम है, रोटेशन वाला पार्ट क्या हमारा कम है। ये घसीटते वो कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो वो फ्रिक्शन कहाँ बताओगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ये पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है, जब घसीटते हुए आगे या स्लिपिंग आगे हो रही थी अपोज किधर करेगा, पीछे की तरफ, तो डिसाइड कर लेंगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, माइनस आई कैप में। हाँ देखते हैं आगे, वो भी साबित हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर हो गया, माइनस आई कैप में हो गया। अब नॉर्मल की वैल्यू बताओगे, मास एम का है तो वेट एम जी नीचे और नॉर्मल किधर, ऊपर, वेट नीचे और नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल की वैल्यू एम जी के बराबर होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दोगे, म्यू एन, तो म्यू एम जी आ गया। नॉर्मल निकालते हैं किस लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करने के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू एम जी आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी, नॉर्मल निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, नॉर्मल निकाल लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है। अब सवाल क्या था पूरा, अब सवाल ये है, सुनने का सवाल ये था कि फाइंड टाइम व्हेन स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, टाइम की वैल्यू निकालना है व्हेन स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। हमने स्फीयर का एग्जांपल लिया, डिस्क भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकता है, जैसा रहेगा, अलग अलग टाइप का शेप बताएंगे तो क्या रहेगा, तो उसमें अलग केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग होगी, बाकी जो है तो बाकी मेथड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे हमारे, बाकी मेथड्स क्या होंगे तो सेम होंगे। क्लियर हो गया अगर लोगों को, बताएंगे साहब क्या समझ में आया। हाँ जी, स्किडिंग का तो टेंडेंसी किधर है, आगे की तरफ, स्लाइड आगे कर रहा तो रिलेटिव स्लाइड स्लिपिंग आगे हो रही, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा, पीछे लगेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा या सेंटर पे लगेगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा। बाकी जो है तो FBD दिखा दोगे, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो MG के बराबर आ जाएगी, और नॉर्मल MG के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये जो भी स्पीड दिया ना, भी आगे की तरफ स्पीड दिया, भी आगे की तरफ स्पीड दिया, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो वी बाई टू आर, ओमेगा इसमें रिलेशन ऐसा है। तो आप बताओगे कि ये जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लिया, ये जो फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन का काम करेगा, रिटार्डेशन ट्रांसलेशन मोशन में, तो नॉर्मल की वैल्यू MG होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू MG, तो कितना रिटार्डेशन डेवलप कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना रिटार्डेशन कर रहा होगा, तो म्यू MG भाई।
रिटार्ड यहाँ पे निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है। हाँ जी, नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही लग रहा है, वहीं पे कांटेक्ट पॉइंट पे ही लगेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू जी आ गई। वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा तो क्या लगेगा, अब ध्यान से देखो क्या ज़्यादा था अभी, तो वेलोसिटी ज़्यादा थी। हमें सवाल क्या पूछा गया कि टाइम बताएं जब क्या शुरू हो जाएगा इसके अंदर, प्योर रोलिंग। इसके लिए कौन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। तो करना क्या, भी ज़्यादा था तो भी को कम करना है और ओमेगा को बढ़ाना, भी को कम करना और ओमेगा को बढ़ाना, भी को कम करना ओमेगा को बढ़ाना। तो ये भी को कम कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा है, भी आ गया, फ्रिक्शन कहाँ है, तो भी को रिड्यूस कर रहा है। जबकि ये फ्रिक्शन जो सेंटर का वोट टॉर्क डेवलप कर रहा है, तो जो अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में अपोजिट है, जो फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है और ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, तो फ्रिक्शन के कारण जो अल्फा आएगा, फ्रिक्शन टॉर्क डेवलप करेगा और टॉर्क डेवलप करेगा तो अल्फा आएगा, और अल्फा जो है वो उस ओमेगा को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। वही चाहिए भी हमें, रोलिंग के लिए हमें चाहिए ना, रोलिंग के लिए भी को कम करना और ओमेगा को बढ़ाना, प्योर रोलिंग स्टार्ट करने के लिए ही चाहिए ना। अभी कौन ज़्यादा है कौन कम है, भी ज़्यादा है और ओमेगा कम है, भी ज़्यादा है और ओमेगा कम है हमें रोलिंग करने के लिए। तो भी सी एम इजिकल डब्ल्यू आर, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या, आपने ऑर्डर दिया कि तुम भी को कम करो और ओमेगा को बढ़ाओ, तो उसको पालन कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है, दिख रहा है ना, भी को कम कर रहा और ओमेगा को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। और जिस स्टेज पे भी इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई, तो आगे देख लेंगे। तो रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, सवाल समझ में आया नहीं आया, क्या समझ में आया, वो टाइम निकालना जब ई सी एम डब्ल्यू आर जाए, वो टाइम निकालना जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, वो टाइम बताना जब क्या आ जाए उसके अंदर, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए। टाइम निकालना है, टाइम निकालना जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, समझ आई बात है। अभी प्योर रोलिंग नहीं, अभी क्या कंडीशन है, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई टू आर है, क्या हो जाना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, समझ आई बात नहीं आई। ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर कंडीशन अभी यह दिया हुआ, इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ कि ये वो फ्रिक्शन जो है, तो इसको ऐसा तो प्रोसीड्यूर में ले जाए जहाँ पे क्या हो जाए हमारा, इनिशियली जो है ये ऐसा है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई तो ट्वाइस आर है, और यहाँ पे तो ओमेगा कितना हो जाना चाहिए, ओमेगा डैश जो भी है तो वी बाई वी डैश बाई आर में चेंज हो जाना चाहिए, ओमेगा डैश इज इक्वल टू वी डैश बाई आर। समझ नहीं आया कुछ, उस समय जो स्पीड होगी ना ओमेगा डैश वी डैश एंड आर में, तो ऐसा रिलेशन कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ओमेगा डैश इज इक्वल टू वी डैश बाई, और क्या वो घटेगा ना, वो घटेगा और ओमेगा बढ़ेगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी कितनी हो गई, वी डैश हो गई, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा डैश हो गई, दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसी कंडीशन को हमें पढ़ना है, इसी कंडीशन को हमें पढ़ना है। यही बोले कि इससे ऐसा से ऐसा कन्वर्सन होने में कितना टाइम लगा, ऐसा से ऐसा होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो देख लिया हमने क्या निकाले, रिटार्डेशन वाला, तो रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा की वैल्यू भी निकाल लें, अल्फा की वैल्यू तो क्या बताएंगे, तो टॉर्क लग रहा होगा, एफ इंटू आर इजिकल टू कितना लिख लोगे, आई अल्फा एफ इंटू आर, आई के लिए तो सोलिड स्क्वायर है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, अल्फा की जगह पे
ए बाई आर, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ए अल्फा में ही रहने दें, अल्फा ही निकालना मैं आज। फ्रिक्शन की वैल्यू भी रख दूँ या फ्रिक्शन में काम करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी मार दें, एमएम कैंसिल कर लें, आर भी कैंसिल कर दें, कितना आ जा रहा अल्फा की वैल्यू, 5/2 म्यू जी बाई आर। ये अल्फा तो एसलेट करेगा या रिटार्ड करेगा, एसलेट कर रहा है, तो टीटा ये कॉन्स्टेंट अल्फा है या वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है अल्फा, कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, तो कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ओमेगा डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा प्लस अल्फा टी, ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा प्लस अल्फा टी, तो डाल दें ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा प्लस अल्फा टी, अल्फा टी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू ऊपर से निकाल के नीचे रख दें तो ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई 5 म्यू जी बटे आर इंटू टी। जो ए की वैल्यू रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू जी आ गई थी, तो वो कॉन्स्टेंट या वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है, वी डैश इक्वल टू क्या लिख लेंगे, यू प्लस ए टी, डाल के बताएं कितना आ रहा है वी डैश की वैल्यू, वी डैश इक्वल टू तो वी, दो इक्वेशन हमने बना लिया, अब कंडीशन क्या होल्ड करवाएंगे आप, ये और इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वी डैश की वैल्यू ओमेगा डैश आर, ऊपर वाले में आर से गुना करके इक्वेट कर दें तो टाइम वैल्यू निकल जाएगी, निकालेंगे लोग। ये मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्फेयर मानते हुए काम किया, बाकी आप डिस्क रिंग हॉलो स्फेयर लेते हुए आप घर पे कर लेंगे होमवर्क के रूप में, तब आपको याद रह जाएगा कि ऐसा कोई एग्जांपल दिया था, और जो सामने क्वेश्चंस रहेंगे तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर यहीं तक छोड़ दोगे तो मुश्किल है कि तुम वहाँ पर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल है इससे जो है, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स के टाइप सब क्वेश्चंस रहेंगे आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे, अगर ये सही सही समझ लेते हैं तो पूरा तो यूज हो गया एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन का पूरा, तो यूज हो जा रहा है, टॉर्क भी लगाना पड़ जा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन रिटार्डेशन, कॉन्स्टेंट अल्फा, कॉन्स्टेंट ए के लिए तो वी इजगल टू यू प्लस ए टी, और ओमेगा इजगल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सब कुछ लगाना पड़ जा रहा है। ओके, टाइम निकालना है, ऊपर देख लेंगे, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये कंडीशन के लिए चाहिए वी डैश एंड ओमेगा डैश में क्या रिलेशन है, वी डैश एंड ओमेगा डैश में क्या रिलेशन है, वी डैश इक्वल टू ओमेगा डैश, वी डैश इक्वल टू ओमेगा डैश इनटू वी डैश की वैल्यू ऊपर से रख दें, वी डैश की जगह पे रख दें वी माइनस म्यू जी टी, और ओमेगा डैश की जगह पे ये स्मॉलर कैपिटल आर एक ही बात है, जो भी लिखना तो एक ही ले लें, स्मॉलर ले लें या कैपिटल आर ले लें, यहाँ पे एक स्मॉलर ले लेता हूँ, स्मॉलर कैपिटल आर एक ही बात है सारा, रेडियस को स्मॉलर ही मान लें या कैपिटल आर मान लें, कोई दो अलग अलग रेडियस नहीं है, सब जगह पर स्मॉलर ही लिख देता हूँ, दो अलग अलग रेडियस नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक ऊपर देखता रहेगा, अब जो है तो कितना आ गया, तो अभी ये भी है माइनस म्यू जी टी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा इंटू आर प्लस ये जो है 5/2 म्यू जी टी। देखो शुरू में तो वी एंड ओमेगा में क्या रिलेशन है, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया था शुरू शुरू में, वी ओमेगा इक्वल टू वी बाई टू आर, या ओमेगा की वैल्यू वी बाई टू,
तो डाल देंगे यहाँ पे v माइनस म्यू जी टी, और ये कितना लिखा हो v बाई टू प्लस एक तरफ t वाले कर लें, एक बार एक तरफ v वाले कर लें, v माइनस v बाई टू इजिकल टू फाइव बाई टू म्यू जी टी प्लस म्यू जी टी वी माइनस वी बाई टू डैट टू लेफ्ट साइड में कितना बन जाएगा वी बाई टू, राइट साइड में कितना बन जाएगा ये दोनों तरफ हटा देंगे टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी टी इज इक्वल टू वी बटे सेवन म्यू जी टी इज इक्वल टू वी बटे सेवन म्यू जी, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। फाइंड टाइम व्हेन अ स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, टाइम की वैल्यू निकाल लिया गया। दूसरा वन मोर सवाल होता है इसी में, अगर टाइम पूछा जाएगा तो यहाँ तक करेंगे। इसी में क्या होता है तो जब प्योर रोलिंग क्या हो गया, फाइंड अ स्पीड व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, स्पीड की वैल्यू बतानी जब क्या हो गया, मतलब वी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी बताना। इतने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा, रोलिंग करना शुरू कर देगा। जब रोलिंग करना शुरू कर देगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी निकालना होता है। तो वी डैश की वैल्यू कितना था हमारा, वी डैश की वैल्यू वी माइनस म्यू जी टी, तो टी की वैल्यू रख दें कितना निकाल चुके हैं आप, कितना रहा टी की वैल्यू निकाला आपने, वी अपॉन सेवन म्यू जी ऐसा निकाला, म्यू जी हटा देंगे कितना आ गया, तो वी माइनस वी बाई सेवन सिक्स बाई, तो ऐसा हो जाएगा वी डैश की वैल्यू जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो वी डैश की वैल्यू कितनी है, तो ये आंसर दे देंगे आप। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो वी डैश की वैल्यू बताओ, तो वी डैश की वैल्यू सिक्स बाई सेवन भी। किसी को अभी भी दिक्कत है बता देगा। तो इसी को तो क्या मानते हो आप, डिस्क मानते हो, एक बार पूरा रिपीट करके बता दें कितना आ रहा आंसर, टाइम की वैल्यू और स्पीड की वीडियस की वैल्यू डिस्क मानते हुए। हाँ अल्फा तो फ्रिक्शन की वजह से आएगा, फ्रिक्शन ही टॉर्क डेवलप कर रहा है। स्लाइडिंग में जो स्लाइडिंग मोशन होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ पे होती है, स्लाइडिंग मोशन में लॉस ऑफ एनर्जी किस में होती है, फ्रिक्शन में होती है। तो उसी पॉइंट को लेकर के पूरी रिसर्च की गई, जिसमें क्या जन्म लिया गया, तो रोलिंग मोशन आया। स्टार्टिंग में किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या करवाया जाता था, स्लाइडिंग करवाया जाता था, उसमें फ्रिक्शन में काफ़ी लॉसेज दिखते थे। तो क्या जन्म दिया गया उस टर्म को, फिर रोलिंग मोशन स्टार्ट किया गया, जहाँ पे देखा गया क्या कि फ्रिक्शन में लॉस जीरो होता, और फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करता है, तो प्योर पॉजिटिव एजेंट का काम करता है, फ्रिक्शन ही यहाँ पे क्या करता है, तो रोल करवाता है ऑब्जेक्ट को, घुमाता है। चलो आप घर पे करेंगे, डिस्क मानते हो कर लोग, रिपीट करना, आई की वैल्यू चेंज करना सिर्फ, तो होमवर्क के रूप में करेंगे इसी को। तो अल्टरनेटिव अटेम्प्ट देख लेंगे कैसे करते हैं, ऊपर देख लेंगे सेम क्वेश्चन को, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी किया जाता है, सेम क्वेश्चन को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से किया जाता है। वो जो पहले अप्रोच किया था, अभी जो पीछे वाला जो हमने अप्रोच दिखाया था, जो सॉल्यूशन लिखा था, तो वो कौन सा अप्रोच था, काइनेमेटिक्स का, जिसमें हमने क्या किया, पहले टाइम निकाला कि इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या निकाला, वी डैश की वैल्यू निकाला, समझ आई बात नहीं आई। दूसरा अप्रोच दिखा रहा जा रहा, जहाँ पे कौन सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालूंगा,
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम याद होगा लोगों को, याद बताया कि रोलिंग मोशन में क्या होता, रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वोट एंगुलर मोमेंटम क्या होता, कंजर्व होता। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करूँगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूँगा। तो यहाँ से, तो इस अप्रोच से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्रोच से पहले क्या निकल जाएगा, वीडीएस की वैल्यू निकल जाएगी। अब वीडीएस की वैल्यू निकल जाएगी तो काइनेटिक्स लगा के टाइम निकाल लेंगे, समझ आई बात नहीं। वो वाला कौन सा अप्रोच था, काइनेटिक्स अप्रोच था, वहाँ से पहले क्या निकलता है टाइम और उसके बाद क्या निकलता है वीडीएस। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्रोच करेंगे तो पहले वीडीएस निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा उससे, समझ आ गई बात। उसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहा हूँ, वो काइनेमेटिक्स वाला अप्रोच समझ में आ गया ना। तुम बताओगे साहब वीडीएस के लिए क्या क्या किया था, वीडीएस का इक्वेशन लिखने के लिए पीछे पहले वाले अप्रोच में क्या किया, बोलेंगे पहले वीडीएस का वैल्यू लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे, रिटार्डेशन निकालेंगे, अब वीडीएस इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे, ए की वैल्यू माइनस म्यू जी रख देंगे तो वीडीएस की वैल्यू निकल गई। ओमेगा डैश के लिए क्या बताएगा साहब, ओमेगा डैश के लिए पहले अल्फा निकालते हैं, अल्फा निकालने के लिए तो फ्रिक्शन का टॉर्क एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, तो वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाला, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी रख देंगे तो अल्फा निकल जाता है, अल्फा की वैल्यू ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में अल्फा रख देंगे तो ओमेगा डैश की वैल्यू निकल जाएगा। और कंडीशन क्या लगा दिया, वी डैश इक्वल टू डब्ल्यू डैश आर, वी डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, दोनों को तो इक्वेट कर देंगे और उसमें ओमेगा इंटू आर की जगह पे तो वी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो पूरा टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझ आई बात नहीं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीड्योर आपको अपने दिमाग में सेट रखना, बता दिया डिस्क के लिए, जा घर पे जाकर तो प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जैक्टली रिपीट करना। बाकी दूसरा अप्रोच दिखा रहा हूँ उसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, बंद करके समझ लेगा, अगर आप समझ लेंगे मे बी जब क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ कर पाओगे और ऐसे स्टेप्स बनाएंगे कि ऐसे ऐसे किया जाता है। सी ऊपर देंगे, कौन सा केस था हमारा, ओमेगा की वैल्यू कितना दिया हुआ, बी बाई टू आर, और क्या करना ओमेगा डैश, ओमेगा डैश की वैल्यू वी डैश बाई तो आर करनी है, ये कंडीशन सोल्व करना हमें। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, देख लेगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कारण, रोटेशन कारण जो है तो कितना होता है आई डब्ल्यू प्लस तो एम बी आर, एम बी आर ठीक है, आई की वैल्यू स्फेयर है तो कितना टू बाई, और ओमेगा की वैल्यू वी बाई टू आर प्लस एम बी आर, ये जो है तो आर हटाएंगे टू हटाएंगे तो कितना जा रहा है एम बी आर बटे फाइव प्लस एम बी आर, एम बी आर बटे फाइव प्लस तो सिक्स बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव एम बी आर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम डैट विल बी फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू डैश प्लस एम बी डैश आर, आई डब्ल्यू डैश आई की वैल्यू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ओमेगा डैश की वैल्यू वी डैश बाई प्लस एम बी डैश आर, आराम से देख लेगा, बर्दाश्त करे उतारेगा बाद में, कितना हो गया सेवन बाई एम बी डैश आर। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो दोनों को बराबर कर दें, इनिशियल कितना दिया हुआ और फाइनल बी डैश की वैल्यू उतना ही आई अलग आ गया, वी डैश की वैल्यू इतना ही पहले भी था या अलग है कुछ, काइनेमेटिक्स मेथड से इतना ही आया था कुछ अलग आया था, तो यहाँ से इस अप्रोच में पहले क्या निकल जाता वी डैश, अब वी डैश से तो टाइम निकालना, तो अब एक फार्मूला लगा देंगे काइनेमेटिक्स वाला, वी डैश इक्वल टू वी डैश इक्वल टू वी बी प्लस ए टी, अब वी डैश इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक जगह पे कितना रख देंगे तो माइनस म्यू जी, और वी डैश की जगह पे तो सिक्स बाई सेवन भी, तो करस्पॉन्डिंग क्या निकल जाएगा, तो टाइम की वैल्यू उतनी आ जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है तो बता दें।
जिस भी तरीके से दोनों, तो इक्वली दोनों मेथड्स आपको जानने हैं। ये का टॉपिक का नाम क्या था, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम का चर्चा कर रहे थे। ये हमने तो ओमेगा के वैल्यू वी बटे टू आर लिख के स्टार्ट किया, कुछ और भी लिखे हो सकते, तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। घर पे जाकर के ना, किनके किनके घर में साइकिल है? बस कुछ ही लोगों के घर पे साइकिल है, चलाते भी हो बस रखा है दिखाने के लिए। चलाते हो तो पहले पहिया, पहले पहले जो तो पैडल मारते हो तो पीछे वाला पहिया चलता है, आगे वाला चलता है? पीछे वाला चलेगा, आगे वाला चलेगा? पीछे वाला चलेगा तो आगे कैसे जाएगा? कौन चलता है? पीछे वाला चलता है, आगे वाला चलता है? साइकिल ना, जाके देखना पैडल मार के। पैडल मारोगे तो बोलोगे आग से मैं कैसे देखूंगा, तो हाथ से मार के देखना। हाथ से पैडल किससे मारोगे? हाथ से मार के देखना कि पीछे वाला पहिया में पहले तो मोशन आता है, आगे वाला में आता है। वो भी सवाल पूछा जाता है किताबों में, सवाल दिए रहते हैं कि साइकिल को जब पहिया मारते हैं तो साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पीछे वाला पहिया और आगे वाला पहिया, कहाँ के फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है उन पे? ये समझ में आ गया सब लोगों को? सेंटर ऑफ मास नहीं, बता तो रहा हूँ कि एंगुलर ओमेगा किसके अबाउट घूम रहा है। सेंटर का अबाउट हो रहा था, आई की वैल्यू उसके अबाउट लेते हैं। हाँ, पहले पीछे वाली घूमती है। चेन किस में लटका टंगा होता? पीछे वाला में टंगा होता तो पीछे वाला ही घूमेगा ना। पैडल मारता तो पीछे वाला ही घूमेगा। पहले घूमने का तो टेंडेंसी किस में आती है? पीछे वाले में। तो पीछे वाला टायर का स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ होगी? और पीछे की तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा पीछे की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे पहिया मानते हैं तो यहाँ पे पहिया अगर है हमारे पास, दो ये दोनों पहिया आपस में कनेक्टेड हैं, चेन इसमें बाउंडेड होता, चेन यहाँ पे इसमें रहता, जैसे तुम पैडल मानोगे तो ये ऐसे घूमेगा। किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी यहाँ पे टेंडेंसी लेवल से किधर होगी? पीछे की तरफ होगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? तो इस पर फ्रिक्शन, जब जैसे पैडल मारेंगे तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। समझ आ गया लोगों को? फ्रिक्शन का डायरेक्शन जैसे पैडल मारेंगे जाके घर पे मार के देखोगे। इतनी चीज़ घर पे कभी कुछ देखा ही नहीं। साइकिल है, साइकिल है, इस ब्रांड की साइकिल चाहिए। अब तो तुम वो साइकिल आगे वाले में रहेगा, पीछे वाले जाएगा ही नहीं। चलें, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप घर पे सब लोग सोचेंगे इस पे कि पहिया जो है पीछे वाले पे ये क्यों, मतलब चेन पीछे वाले में क्यों दिया गया, आगे वाले में देंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी? जो पहले बनाया होगा ना, सबसे पहले जिसने बनाया होगा तो उसको भी दिक्कत आई होगी ना। हाँ, नहीं चेन तो पीछे वाले में रहती है, बाकी वो कनेक्टेड रहता है, पूरा कनेक्टेड बॉडी है वो, बट जो चेन का कनेक्शन पीछे वाला टायर से ही रहता है। देखा होगा घर पर जाकर, तो जाके देखेंगे फिर से चेन किससे कनेक्टेड रहता है। वो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसके दिमाग में आया, तो आप लोग घर पे इस पर सोचेंगे जा करके। जिसने बनाया होगा साइकिल तो पहले तो ऐसे ही किया होगा ना,
पहले तो वो भी ऐसा किया होगा कि आगे वाला मैं चेन डाल के देखा होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। कैरी करेगा ना पीछे वाला ज्यादा ना, ऐसे तुम्हें एग्जांपल देखा होगा, बातचीत नहीं करें लोग। फ्रिक्शन वाला मैं बताया था चैप्टर में कि इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक रखा हुआ, क्या रखा हुआ, दो ब्लॉक रखा हुआ, इंक्लाइन प्लेन पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो दोनों कैरी किस केस में चल करते थे और किस केस में नहीं करते थे। अगर आगे वाले का स्पीड कम रहेगा ज्यादा तो क्या करेगा, दोनों साथ में चलेगा। आगे वाले का स्पीड कम रहेगा अब पीछे वाला का ज्यादा, दोनों किस में रहेंगे, कनेक्टेड रहेगा। समझ आई बात नहीं है, और आगे वाले का स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अरे ऐसे एग्जांपल दिया था, सब कुछ भूल जाते हो। ऐसे एग्जांपल दिया था कि सवाल ही था, दो ब्लॉक रखे हुए हैं इंक्लाइन पे और किसकी स्पीड कितनी होगी तो क्या होगा, कितनी किस केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, ऐसा करवाया गया था लोगों को। अरे करवाया गया था भाई, वो तो पता ही है, जब पूरे सिलेबस खत्म हो जाते तब बोलता है कि कुछ करवाया नहीं है। तो रिपोज एंगल निकलवाया था, दो ब्लॉक तीन ब्लॉक लेकर के सब कुछ निकलवाया। वो इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है, ठीक है, मतलब बताया ना कि आप जब पैदा नहीं हुए उसके 10 से 15 साल पहले से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई नया एक्सपीरियंस आप कुछ ऐसा कुछ कमाल नहीं करेंगे जो नया कुछ हो जाएगा हमारे जीवन। आप जो कमाल करेंगे वो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत बार पहले हो चुका है। हाँ तो बताते रहो कि इस पर सोचोगे बैठ करके बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। जो पहली बार साइकिल बनाया होगा वो भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम करा होगा, क्योंकि पहली बार में तो आगे ही डाला होगा। चल ये सब जो ना कोई आश्चर्यजनक नहीं है वो, चले हमें वो रिसर्च नहीं करना है। एक मिनट देखें, बातचीत कर देखें, हमारा इतना ही काम है। साइकिल है, साइकिल में हम लोग क्या करेंगे, साइकिल में जस्ट पैडल मारोगे तो पैडल मारेंगे तो ये पहिया किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो इसकी टेंडेंसी स्लिप करनी कहाँ होगी, पीछे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। और जैसे ये घूमता है तो क्या होता है, इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है, इसमें कौन सी टेंडेंसी डेवलप होती है पहले, तो ये स्लाइड करता कहाँ की तरफ, आगे की तरफ, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा। समझ आई बात नहीं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें याद रखना है कि ऐसा होता है। बाकी पहिया में चेन पीछे दिया गया आगे दिया गया ये सब रिसर्च का विषय है, वो सब बाद में करेंगे हम लोग, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। सिलेबस में भी काफ़ी कुछ बचा हुआ तो हम ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। साइकिलिंग का प्रोसेस आगे आप देखेंगे, आगे हम लोग मूव करते हैं। ये कौन सा टॉपिक हमारे पास, तो टॉपलिंग मोशन, एक क्या था प्योर ट्रांसलेशन था, प्योर रोटेशन होता है, रोलिंग आ गया, अब क्या आएगा हमारे पास, तो टॉपलिंग करना। ध्यान देंगे टॉपलिंग का मतलब क्या होता, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता था, याद होगा स्लाइडिंग का, तो कब स्लाइड नहीं करता था, कब स्लाइड करता था, याद होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाता था हमारा ऑब्जेक्ट, स्लाइड करता था। ऐसे तो कुछ टॉपलिंग का तो बैकग्राउंड में देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ, तो एक कंडीशन जो बताया था कि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं, ऐसा बताया था लोगों को। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और दोनों का पर्पस क्या होता है, याद होगा लोगों को, ये भी बता रखा था हमने कि जैसे जैसे स्लिप लेकर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन जाग जाएगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बना हुआ दो टाइप का कॉन्टैक्ट बना हुआ, कितने टाइप का बना हुआ कॉन्टैक्ट बना हुआ, एक जो ऐसा कॉन्टैक्ट है जो क्या करता है तो आगे की तरफ जाने से रोकता है, तो उस वाले कॉन्टैक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इसकी जो टेंडेंसी ब्रेकआउट होकर के आगे जाने की टेंडेंसी होगी उसको रोकने के लिए कौन आएगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है जो क्या करता है, तो सरफेस के पैरेलल स्लिपिंग को अपोज करता है, सरफेस के पैरेलल स्लिपिंग को अपोज करता है। और ये भी नॉर्मल फोर्स जो है, तो ये भी कैसा फोर्स है,
तो नॉर्मल फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स जो क्या करता है, नॉर्मल फोर्स भी क्या हमारा टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि जो सेपरेशन की टेंडेंसी ऐसा है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर सेपरेशन की टेंडेंसी है, सरफेस के परपेंडिकुलर सेपरेशन की टेंडेंसी है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या दो तरीके से कैसे सेपरेट हो सकता है, एक तो कैसे दोनों सरफेस सेपरेट ऐसे होंगे, ये आगे जा रहा है तो भी दोनों सरफेस क्या हो रहे हैं सेपरेट, और यहाँ वाला दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग हो गया ना, और दूसरा सेपरेशन की टेंडेंसी ऐसा भी होगा, ये जो आता है फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा ऐसे उठ गया तो भी क्या हो गया, दोनों सेपरेट हुआ ना, सेपरेशन दो तरह के पॉसिबल है। तो ये ऐसे चल रहा है, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होता है, जबकि ऐसे जो सेपरेट हो रहा है इसको अपोज करने के लिए कहता नॉर्मल होता है, ये चल चल ऐसे भी दोनों काम हो रहा है, ऐसे जा भी रहा है ऐसे भी हो रहा है, तो दोनों दोनों तरीके का सेपरेशन हो रहा, समझ आई बात। तो इस मोशन को क्या बोलते, चलता चलता ऐसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है अचानक ऐसे लुढ़क गया, तो लुढ़क जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉपलिंग। तुम्हें काफ़ी बार ऐसा होता तुम जल्दी जल्दी में क्या करा, बड़े बड़े जूते पर जूता देखा होगा ना, बड़ा जूता होता है जहाँ में लेकर घुटने तक जिसमें तो बॉर्डर लगा होता और नीचे बड़ा तो हिल भी रहता उसके अंदर, अचानक तुम्हें घर से पहन के निकला दौड़ते हुए जा रहा हो, अचानक लुढ़क गया, अचानक क्या लुढ़क गया। अरे हमने एक बार देखा था कि मतलब कोई ऐसे जो है तो सैंडल वेंडल बड़ा हिल वाले पहन के निकला अचानक ही, और कहीं पे सीढ़ी जो है ना तो सीढ़ी पे उतरते हुए अचानक ही लुढ़क गया, दो चार मतलब पूरा भीड़ लगी हुई थी और वहीं पे पूरी पब्लिक जो है उसी पर्सन को देखने लगा, उसी हमने हम तो वही सोचा था टॉपलिंग हो गया आज, सब लोग उसे देख रहे थे बट मैं बोला नहीं जा करके, तो पता लगा हमारे ऊपर ही पड़ जाता है। वो कॉमन सा प्रोसेस है, कहीं भी गली मोहल्ले में ऐसा टॉपलिंग होता रहता है, टॉपलिंग का किस केस में समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स क्या होता है कि तुम जा रहे हो और जा रहे हो और काफ़ी तेजी से जा रहे हो, कोई तुम्हारा पर्सन ही है तुम्हारा फ्रेंड ही है जो क्या करता है, तुम देखा कि बहुत तेजी से जा रहा है, पैर सामने ला देता, पैर सामने ला दिया, तो दो सिचुएशन होता, एक सिचुएशन होता तुम भी चालाक थे, तुम भी क्या कर गए अपने आप को बैलेंस कर लिए, अपने आप को क्या कर लिए बैलेंस कर लिए, तो उसी केस को क्या बोलते हैं टॉपलिंग, नो टॉपलिंग हुआ उसी केस को, अगर तो अपने आप को बैलेंस कर लिया तो क्या बोलेंगे नो टॉपलिंग, जिस केस में बैलेंस नहीं कर पाए तो टॉपल हो जाना बोलेंगे। तो ये होता क्यों है, तो होता ही ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्मल फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स का भी सेंटर का वो टॉर्क कितना है, जीरो। नॉर्मल फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास से पास करता है, सेंटर मास का वो टॉर्क कितना है अभी, जीरो। बट जैसे क्या होता है कुछ केसेज में, जब जैसे तुम्हारा क्या होता तो लुढ़कने वाले होते हो, तुम क्या करने वाले होता लुढ़कने वाले होते हो, तो क्या मतलब बेसिकली टॉर्क डेवलप हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के क्या डेवलप कर दिया सेंटर का वो टॉर्क डेवलप कर दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल क्या करता है काउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क डेवलप करता, और नॉर्मल के औकात में कहाँ तक जाना शिफ्ट होना, यहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, यहाँ तो जा नहीं सकता ना, कहाँ तक शिफ्ट होता है यहाँ तक जब चला जाएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क, जो नॉर्मल डेवलप कर सकता था वो कर दिया, मैक्सिमम जो नॉर्मल टॉर्क डेवलप कर सकता था यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, समझ आई बात नहीं, तो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप किया, और ये वाला जो नॉर्मल का जो टॉर्क है वो अगर क्या होगा ज़्यादा होगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क जो है कम हो गया, तो क्या हो जाएगा ये बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल बैलेंस कर लिया नो टॉपलिंग होगा, और उल्टा हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क ज़्यादा होगा और नॉर्मल का क्या हो जाएगा कम, नॉर्मल बैलेंस नहीं कर पाया। सुनिए स्लाइडिंग में ऐसे ही बताया गया था, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा और लिमिटिंग फ्रिक्शन कम, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है लिमिटिंग कम है तो क्या हो जाता था स्लाइडिंग हो जाती थी, और लिमिटिंग ज़्यादा तो स्लाइडिंग नहीं होती थी, लिमिटिंग ज़्यादा तो चल ही नहीं पाता था, लिमिटिंग ज़्यादा तो चल ही नहीं पाता, समझ आई बात।
तो वैसे ही बोला जा रहा है कि कोई व्हीकल जा रही है या कोई पर्सन जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई किल है वहाँ पे, अचानक किल मिल गया तो क्या होता है, तो किल के कारण जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टॉर्क बना देता है। अगर वो टॉर्क जो है ज़्यादा है, नॉर्मल वाला टॉर्क से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। और उल्टा कर दें, जैसे एक्सटर्नल टॉर्क आया और नॉर्मल क्या करता, काउंटर टॉर्क डेवलप करता है, अपोजिट में टॉर्क डेवलप करता है, तो नॉर्मल अगर है उससे ज़्यादा टॉर्क डेवलप कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, नो टॉपलिंग का केस हो जाएगा। नॉर्मल जो है मैक्सिमम यहीं तक जा सकता ना, ऐसे रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो जो है तो किस डायरेक्शन में टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर टॉर्क की रिक्वायरमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर शिफ्ट करेगा, और टॉर्क का रिक्वायरमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो सेंटर ऑफ मास से या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना होगा, एन इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एन इंटू एल बाई टू, मैक्सिमम टॉर्क कितना डेवलप कर सकता है वो। ये कंडीशन याद हो गया टॉपलिंग एंड नो टॉपलिंग का। टॉपलिंग का क्या कंडीशन, नॉर्मल फोर्स का जो टॉर्क है वो कम हो जाए और एक्सटर्नल का ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, टॉपलिंग हो जाएगा। और उल्टा कर दें, नॉर्मल का ज़्यादा हो जाए और एक्सटर्नल का कम पड़ जाए तो देयर विल बी नो टॉपलिंग, टॉपलिंग एंड नो टॉपलिंग, लुढ़कना एंड नहीं लुढ़कना। ये कॉमन सा एक एग्जांपल आपको दीजिए कि आप काफ़ी तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं, कोई पैर टांग में लटका दिया, तो दोनों पॉसिबिलिटी तो समटाइम्स हो जाता, समटाइम्स आप तो बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस किस किस में कर लेते हैं, जब नॉर्मल का टॉर्क ज़्यादा हो जाता है, एक्सटर्नल का टॉर्क कम पड़ा तो आप नो टॉपल करते हैं और उल्टा हो जाए। टॉपलिंग मोशन, लुढ़कने वाला मोशन, टॉपलिंग मोशन मतलब लुढ़कने वाला मोशन। इतना ही बात बोली जा रही है, ऐसे जा रहा है अचानक ऐसे जाते हो, या कहीं ठोकर लगा तो ऐसे उठ जाता है, इसी मोशन को क्या बोलेंगे भाई, ये सेपरेट होना, ये तो ये स्लाइडिंग तो हो ही रही है, अब ये अचानक यहाँ पे तो क्या रहा है, हिंज विंज रहेगा, जा रहा है ऐसे उठ जाता है, तो उस मोशन को क्या बोलेगा, और उठ करके पलटी मार दिया तो क्या बोले, टॉपल हो जाना। और समटाइम्स उठने के बाद क्या होता है, नहीं पूरा नहीं उठ पाता तो क्या करेगा वो, नो टॉपलिंग का केस, वो लुढ़क नहीं पाया। टॉपलिंग एंड नो टॉपलिंग क्लियर हो गया लोगों को, तो टॉपलिंग के लिए तो इंश्योर कर लेंगे टॉपलिंग मोशन में, टॉपलिंग का कंडीशन, टॉपलिंग मोशन तो टॉर्क किसका टॉर्क, नॉर्मल का एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क ग्रेटर है नॉर्मल का टॉर्क से, तो टॉपलिंग मोशन हो जाएगा। और नो टॉपलिंग मोशन के लिए कंडीशन नोट कर लेंगे, नो टॉपलिंग के लिए दो तरीके से सेपरेट होते हैं, एक क्या सरफेस के पैरेलल, दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर। नो टॉपलिंग के लिए बताएंगे कौन ज़्यादा होगा, समझ आ गया होगा लोगों को, कंडीशन लिख लें, क्वेश्चन एग्जांपल देख लें, सी ऊपर देखेंगे लोग, ये क्या है, तो रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब आज हम लोग फुल्ली किस में इंटरेस्टेड हैं, टॉपलिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो स्लाइडिंग को ब्लॉक कर दूं, स्लाइडिंग को ब्लॉक कर दूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ, स्लाइडिंग को ब्लॉक कर दिया, एफ जो है कम है किससे, म्यू एम जी से, मतलब क्या हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है लिमिटिंग से क्या है, कम है, मतलब चलेगा नहीं चलेगा, तो स्लाइडिंग मोशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, स्लाइडिंग मोशन में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ये दिया हुआ है, ये स्क्वायर क्यूब है, क्यूब का ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर का साइड लेंथ ए ले लें या क्यूबाइड मान लें या क्यूब का ले सकते हैं ए और ए, या एच ले लेता हूँ, ये एच लेता हूँ और वो कितना हमारा क्यूबाइड है, हाइट कितना एच है और जो साइड लेंथ है कितना है, तो ए है,
हाइट एच और साइड लेंथ है ए। फोर्स कितना लगाया गया, एफ लगाया गया। ये फोर्स कहां पे लगाया जा रहा, टॉप एज पे लगाया जा रहा। तो कौन सा कंडीशन लिखवा दूं, दोनों कंडीशन लिख सकते हो आप। तुम पहले तो बताओगे कि नॉर्मल कितना होगा। नॉर्मल के बोले एम जी के बराबर होगा। अब ये सब बेहतर तो बता सकते हो तुम। इसमें भी लोग लिखते रहते हैं, हजार बार नॉर्मल के वैल्यू एम जी लिख रखा है, उसके बाद भी लिखना तो आपको समझ में आना चाहिए कि या? आपको नहीं समझ में आता कि हजार बार नॉर्मल लिख रखा है, अब नॉर्मल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिखते हैं। फिर भी क्या करते हैं लोग, क्यों इंश्योर करें ना कि अब तो नॉर्मल तो इतना तो काम कर ही लूंगा। नॉर्मल के वैल्यू एम जी और लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू म्यू एम जी, और ये कंडीशन लिखा हुआ एफ कम है और ये ज़्यादा, मतलब स्लाइडिंग नहीं होगा और हमें इंटरेस्ट भी नहीं है स्लाइडिंग का। हमने काफ़ी केस कर रखा, आज किसका आनंद लेंगे हम लोग, टॉपलिंग का आनंद लेना। क्लियर है बताओ बेटा का, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बता दोगे, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, कितना होगा, एफ के इक्वल होगा, नहीं चल रहा बोलेंगे, नहीं चल रहा ना, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता, तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता। ये कंडीशन में समझ आ गया होगा कि एफ की वैल्यू स्मॉल एफ की वैल्यू एफ हो गया, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। समझ आई बात, कौन सा कंडीशन लिखो, टॉपलिंग का या नो टॉपलिंग का, टॉपलिंग का, टॉपलिंग का, टॉपलिंग करवाता हूँ तो डैट भी क्या कंडीशन हो जाएगा, टॉपलिंग का कंडीशन एक्सटर्नल फोर्स एफ जो है, ये जो ये वाला जो ऊपर ये फोर्स लग रहा है, जो जो फ्रिक्शन है, दोनों सेंटर को उठ के डेवलप कर रहा होगा टॉर्क, और उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा वो नॉर्मल क्या करेगा। पहले तो ये सवाल होता कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट करेगा, पहले तो ये सवाल होता कि नॉर्मल जो है इधर नॉर्मल अभी लग रहा है, नॉर्मल कितना एम जी के बराबर है, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा राइट शिफ्ट होगा, राइट क्यों होगा, क्योंकि जो एफ का जो टॉर्क है सेंटर का वोट एफ का किधर है, क्लॉकवाइज है। फ्रिक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स दोनों का टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, तो नॉर्मल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाहिए, काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इधर शिफ्ट करेगा। तो नॉर्मल का टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, नॉर्मल का टॉर्क 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 नॉर्मल का, तो डैट वी एम जी, नॉर्मल की वैल्यू एम जी एन इंटू एल बाई ए बाई टू। नॉर्मल का टॉर्क इतना है, नॉर्मल का टॉर्क इतना है, ठीक, कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क है तो एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ इंटू ए बाई टू। दूसरा वाला क्यों लिखा है, ये दोनों ही फ्रिक्शन हुए, एफ लग रहा है ऊपर तो एक्सटर्नल फोर्स एफ जान जन मिलेगा एच बाई टू, वो एच की एच के टर्म्स हमने लिख दिया, वैसे ए भी दे सकते, क्यूब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ए रहेगा, ये रहेगा वो, तो वहाँ से एफ की वैल्यू कंडीशन आ जाएगा, एफ का कितना वैल्यू होगा, या अभी एच के टर्म्स में आ जा रहा है, एच के टर्म्स में लिखने से फायदा ये होगा कि जब एच के टर्म्स में रहेगा तो एच के टर्म्स वाला भी आंसर हो गया, और क्यूब बोलेगा तो एच के जगह पे ए ही रख देंगे। समझ आ गया लोगों को, अब क्या कंडीशन है, टॉपल 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 टॉपल, ये जो है कितना आ गया, तो क्लॉक वाइज में आ गया, ये डाटल एफ एच क्लॉक वाइज। अब क्या टॉपल के लिए कंडीशन, टॉपल टॉर्क एक्सटर्नल का नॉर्मल से तो क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, दैट विल बी एक्सटर्नल का टॉर्क कितना आ गया, एफ इंटू एच विल बी मोर देन एम जी ए बाई टू, एफ विल बी एफ की वैल्यू इतना या इससे ज़्यादा फोर्स रहेगा तो क्या कर जाएगा, टॉपल कर देगा। अगर एच की वैल्यू ए दे दे, क्यू 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 क्यूब है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अगर एच इक्वल टू ए है मतलब क्यूब, क्यूब कॉल ऑब्जेक्ट है,
तो डाटा डब्ल्यू एफ इज मोर देन अब मैंने टॉप सर्फिस पे लगाया वो फोर्स कहीं और भी लगा सकते हैं तो डिपेंड करेगा उसके अनुसार से आंसर आ जाएगा चेंज करेगा वो टॉपल एंड नो टॉपल क्लियर हो गया वो लोगों को देख लेंगे आप खुद ही आंसर आप बता देंगे अगर ये फोर्स जो है अगर ऐसा लगता तो क्या आंसर देते आप ऊपर देख लेगा आंसर चेंज होगा इसके आंसर से अगर ये फोर्स कहाँ पे लग रहा होता सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता तो क्या बताते हैं समझ नहीं आया कुछ अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो तो कौन बनाएगा सिर्फ एफ इंटू एच बाई टू तो एफ इंटू एच बाई टू क्या कर देंगे ग्रेटर कर देंगे टॉपल कर लिए समझ नहीं आया कुछ वो वैल्यू फिक्स नहीं होगी किस पे डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा अभी कहाँ पे टॉप सरफेस पे अप्लाई कर रहे थे ये वैल्यू सेंटर पे लगा दिया या कहाँ पे लगा सकते हैं ये एच वाई फोर पे टॉप से कितना पे फोर्स कहाँ पे लगा दिया टॉप मोस्ट पॉइंट से कहाँ पे एच वाई फोर पे तो ये भी कितना सेंटर से कितना जाएगा ये एच वाई फोर तो इसका टॉर्क कितना एफ एच वाई फोर और इसका टॉर्क समझ नहीं आया कुछ तो ऐसे कुछ भी डायग्राम बनाया सकते हैं कि फोर्स अलग अलग पोजीशन पे लगा करके टॉपलिंग का कंडीशन निकालिए नो टॉपलिंग का कंडीशन निकाल टॉपलिंग के लिए तो ये ग्रेटर आ रहा था नो टॉपलिंग के लिए क्या हो जाएगा हमारा तीन केस दिखा दिया आपको टॉप पे लगा के एक बार दिखा दिया बाकी एक यहाँ पे लगा के दिखा दिया ऊपर से एच वाई फोर पे और एक बार सेंटर पे लगा के दिखा दिया जो तीनों केस आप जाकर घर पे तो विजुलाइज कर लेंगे तो आपको जो है तो जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे समझ आ गया वो लोगों को ये कंडीशन में क्या हो जाएगा जो टॉप पे फोर्स लगाया था तो फोर्स किस कितना ग्रेटर होना चाहिए फोर्स भी ग्रेटर देन एम जी बाई टू टॉपलिंग के लिए क्या कंडीशन है हमारा फोर्स शुड भी ग्रेटर देन एम जी बाई टू ये क्या हो जाएगा टॉपल कर जाएगा और नहीं टॉपलिंग करवाना तो क्या होता तो लेस होता ये कंडीशन बाउंड्री कितनी आती लेस हो जाती क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट टाइम करते हैं इसमें जैसे 5-10 मिनट लगेगा बाकी तुरंत नेक्स्ट टॉपिक में स्विच कर जाएंगे हम लोग